हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट टू करेंगे, ठीक है? आज हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट टू करेंगे। स्केलेटन सिस्टम पार्ट वन एक्सियल बोन हमने कर लिया था, आज हम इसका पार्ट टू करेंगे। अब देखो बच्चों, देखो मैंने बताया था जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें जो बोन है वो दो टाइप से हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो हमारा ये वाला फ्रंट था, कल किया था हमने, अब हमारे पास है अपेंडिकुलर, मतलब जो हाथ पाँव की और जो हमारी शोल्डर और हिप बोन, इसके अंदर कौन सी आती है बच्चों? हाथ पांव, शोल्डर और हिप बोन, ठीक है? वो कौन सी है? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर बच्चों स्केलेटन है ना, इसके अंदर 126 बोन होती है। इसके अंदर कितनी बोन होती है? 126। अब इसमें दो टाइप की है, एक लिम्ब जो हाथ पांव की है, लिम्ब मतलब हाथ और पांव की, बायोलॉजिकल नेम है ये, ठीक है, हाथ पैर की। और जो हमारे पास ग्रीडल है, ग्रीडल में कौन सी आएगी? हमारे पास जो ये शोल्डर और हिप बोन, शोल्डर और हिप बोन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपर लिम्स मतलब हैंड, हैंड के लिए बोल रहा है, ठीक है। अपर लिम्स मतलब हैंड्स के लिए, ठीक है। लोअर लिम्स मतलब लेग्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? हैंड्स और लेग्स के लिए। अब जो बच्चों एक हाथ के अंदर है ना, एक हाथ में 30 बोन होती है, 30 बोन्स होती है वन हैंड में। एक हाथ में 30 बोन होती है, दो में कितनी होगी? 60 होगी। एक हाथ में 30 बोन, दूसरे में 30 बोन, टोटल कितनी होगी? 60 बोन। टोटल कितनी होगी? 60 बोन। और ऐसे ही पाँव में, एक पाँव में 30 बोन, दूसरे में भी 30, और दोनों में कितनी होगी मिला के? 60 बोन, ठीक है। अब हमें पहले ये लिम्स पढ़ना है, ग्रीडल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड। एक हैंड को हम अभी के अभी याद कर लेंगे, फिर ऐसे ही हम पाँव को याद कर लेंगे, ठीक है। इधर के इधर याद करना हमें। देखो बच्चों, हमारा हाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला पोर्शन ये वाला है, ठीक है, और ये वाला है, ठीक है, और ये हाथ और उंगलियां। अब जो ये हमारा ये वाला पोर्शन है ना, ये सॉलिड वाला, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। उसके बाद हमारे पास दो आती है, अल्ना और रेडियस, अल्ना और रेडियस। देखो यहाँ पे आपको दो दिख रही है, एक तो जैसे अंगूठे की साइड चली गई, ठीक है, ये वाली अंगूठे की साइड चली गई, और एक ये वाली इस छोटी उंगली की साइड चली गई। तो यहाँ पे जो अंगूठे की साइड जाती है ना बच्चों, जो अंगूठे की साइड जाती है, ये वाली हड्डी जो अंगूठे की साइड जाती है वो होती है रेडियस, वो होती है रेडियस, जो हमारे पास एक ही हड्डी होती है, ठीक है, जो हमारे पास जो एक ही हड्डी होती है। और अल्ना जो हमारे पास ये वाली हड्डी होती है, ये स्ट्रोंग जो हमारी इस उंगली की तरफ चलेगी, ये होती है अल्ना, ठीक है। रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, तीनों एक एक होती है, बिल्कुल तीनों। इतना हाथ हमने खत्म कर लिया। अब जो हमारे पास ये कलाई आ गई, कलाई, ये कलाई है, इसके अंदर छोटी 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 आठ हड्डियां होती है। कलाई में आठ हड्डियां होती है बच्चों, ठीक है, कलाई में एट हड्डी होती है, एट बोन होती है। और देखो कैसे कलाई और कैसे कार्पल, कैसे कलाई और कैसे कार्पल, कार्पल में कितनी होती है? एट हड्डी। अब कार्पल के पास जब ये आ गई हमारी, ठीक है, पाम अथेली आ गई, तो कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल से आगे वाली स्टेज मेटाकार्पल, उसके पास कितनी होती है? पांच। क्यों होती है? क्योंकि देखो ये पांचों जो हमारी फिंगर्स है, ये जॉइंट होती है इसके साथ, तो इसमें कितनी होती है? पांच हड्डियां। कितनी होती है बच्चों? पांच हड्डियां, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, ठीक है। अब हमारी फिंगर्स आ गई, अब हमारी क्या आ गई बच्चों? फिंगर्स। अब देखो एक फिंगर के अंदर तीन है, एक फिंगर के अंदर तीन हड्डी है, तीन 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 तीन, लेकिन इसके पास दो है, ठीक है, इसके पास दो है, अंगूठे वाली और ये वाली, तो कितनी हो गई? टोटल 14, ठीक है, टोटल कितनी हो गई बच्चों? 14 हड्डी, 14 फ्लैंगिस, फ्लैंगिस, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंगिस, ठीक है, एफ से फिंगर, एफ से फ्लैंगिस, ऐसे याद रखनी है, ठीक है। ह्यूमरस का, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंगिस, ठीक है, 1 1 1 8 5 14, 1 1 1 1 5 8 5 14, ठीक है, याद होगी, होगी आपको। तो ये हमारा किसका ग्राफ है? अपर लिम्स का, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंगिस, याद रखो बच्चों, पूछी जाती है, याद रखनी है। अब आ रही, अब देखो टोटल हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे? 30 होगी। टोटल कितनी होगी? 30, 30 होगी। अब जो 30 हमारे पास, एक हाथ के पास 30 है, तो दो के पास कितनी होगी बच्चों? 60। दो के पास कितनी होगी? 60। ये हमारा हाथ कंप्लीट हो गया, याद कर लेना, ठीक है।
अब बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था राजस्थान में, ये क्वेश्चन आया हुआ था राजस्थान में, जिसको इसका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि मुझे इसका आंसर आता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेज जो हमने कल किया था, वर्टिब्रेज कॉलम जो किया था, इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है वो पार्ट इंटेस्टाइन्स का है, लीवर का है, स्पाइनल कॉर्ड का है, ब्रेन का, किसका पार्ट है बच्चों? देखो हमने कल किया था रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेज, ठीक है, कल किया था रीढ़ की हड्डी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है जो ऐसे, ठीक है। इसके अंदर हमने किया था थ्रोसिक होती है, ये हमने सब किया था सर्वाइकल थ्रोसिक वगैरह सब किया था। तो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये होती है वर्टिब्रेज, ठीक है। इसके अंदर बच्चे एक हमने टेल लाइक एक पूंछ के जैसी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके अंदर पूंछ के जैसी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। वर्टिब्रेज के अंदर पूंछ के जैसी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे ये इस टाइप से मिलेगी, आप गूगल करना थोड़ा सा दिख जाएगी आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे होती है। तो वर्टिब्रेज के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में पूछा हुआ था, तो मुझे लगा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने नहीं बताया, अब इतने मान बच्चे हो ना हो कि पता हो कि वर्टिब्रेज के अंदर है स्पाइन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने अपर लिंब कर लिया, अब हम लोअर लिंब को करेंगे, ठीक है, पांव की हड्डी को करेंगे। पांव में भी कितनी हड्डी होती है बच्चों, 60, और हाथ में कितनी थी, 60, ठीक है, हैंड में भी 60 और लेग्स में भी 60, ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों ये हमारा पांव है, ठीक है, ड्रॉइंग पे बिल्कुल मत जाना, ये हमारा पांव है। पांव में बच्चों जो सबसे ये जान की हड्डी होती है थाई बोन, उसको बोलते हैं फीमर, जान की हड्डी थाई बोन को बोलते हैं फीमर, ठीक है, जान की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। अब जो ये बीच में जान की हड्डी के बाद, जान की हड्डी के बाद जो बीच में घुटने के ऊपर हड्डी आती है, नी के ऊपर हड्डी आती है, उसको बोलते हैं पटेला, पटेला, ठीक है, पटेला, वो होती भी गोल गोल है पटेला जैसी है, ठीक है। और फिर एक हड्डी जैसे यहाँ से फिर दो निकलती है, जैसे हाथ में निकली थी ऐसे ही यहाँ पे दो हड्डी होगी, एक साइड वाली को बोलते हैं फिबुला, ठीक है, और टकने वाली साइड को बोलते हैं टीबिया, टीबिया टकना, टकने वाली साइड को टीबिया और इस साइड को फिबुला, ठीक है। और टकने से ही आपको याद रखना, जब टकने के पास जैसे यहाँ पे हमारे पास कलाई आई थी, जब कार्पेल थी, तो यहाँ पे टकने के पास होगी टार्सल, टकने के पास होगी बच्चों टार्सल, टार्सल से आगे नेक्स्ट वाली मेटाटार्सल, और उससे आगे वही से फ्लेंजेस। अब देखो बच्चों फिर से समझेंगे इसको, जो हमारे पास फीमर होती है ना बच्चों, जान की हड्डी, इसमें तीन क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमर, सबसे थिकेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमर, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, ठीक है। फीमर सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकर बोन होती है, इनमें से कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको। फिर आगे आगे पटेला, पटेला वाली है यहाँ पे, ये एक ही हड्डी है पटेला, ये भी एक है, ये भी एक हड्डी है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास फिबुला, फिबुला भी वन, टीबिया भी वन, टीबिया से क्वेश्चन आता बच्चों, जो टीबिया होती है चमकने वाली हड्डी, शाइन बोन, ठीक है, चमकने वाली हड्डी कौन सी है हमारे पास, टीबिया, तो शाइन बोन कौन सी है बच्चों हमारे पास, टीबिया, ठीक है, टीबिया। अब आगे हमारे पास टार्सल, टार्सल है बच्चों सात, वहां पे जो कार्पल थी वो थी आठ, हाथ में कार्पल थी वो थी आठ, यहाँ पे सात है क्योंकि एक पटेला एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए, एक पटेला यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कितनी होगी, सात, ठीक है। अब मेटाटार्सल, वहां थी मेटाकार्पल, यहाँ है मेटाटार्सल, ये कितनी है, पांच, वहां भी पांच थी, और आगे जो पांव की उंगलियों की थी वो 14 थी वहां पे, और यहाँ पे कितनी है, 14, ठीक है। फीमर है, लॉन्गेस्ट है, थिकनेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, पटेला है एक बोन है, फिबुला एक, टीबिया, टीबिया से एक क्वेश्चन है, शाइन बोन है, टार्सल है सात है, मेटाटार्सल है पांच, फ्लेंजेस कितनी है, 14, ठीक है, फ्लेंजेस कितनी है बच्चों, 14, ये हमारे पास पांव की टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गई 30, टोटल है 30, और 30 एक पांव की है 30, और हमारे पास कितने पांव होते हैं बच्चों, दो, तो कितनी होगी टोटल 60, टोटल कितनी होगी 60, ये याद कर ली, और 60 हमने हैंड वाली याद कर ली, ठीक है। अब हम करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, फीमर, पटेला, फीबिया, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ठीक है, फीमर, पटेला, फिबुला, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ठीक है। अब आ गया बच्चों हमारे पास ग्रीडल, अब आ गया बच्चों ग्रीडल, ठीक है, ग्रीडल में यहाँ पे शोल्डर बोन और हिप बोन, शोल्डर बोन और हिप बोन, ठीक है।
अब जो शोल्डर पे है ना बच्चों, देखो यहाँ पे कितनी खत्म हो गई हमारी, 120 खत्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 6 रहती है। शोल्डर के पास कितनी बोन है? 4 बोन। शोल्डर के पास कितनी है? 4। और पेल्विक हिप बोन कितनी है? 2। हिप बोन कितनी है हमारे पास? 2। ठीक है, हिप बोन कितनी बच्चों? 2। और शोल्डर के पास कितनी है? 4। अब जो हिप बोन है इसको सिट बोन भी बोलते हैं, कोक्सल बोन भी बोलते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। मेल के पास थोड़ी पतली होती है, फीमेल के पास थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए फीमेल थोड़ी हेल्दी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करती है मेल और फीमेल को, डिफरेंशिएट करती है बच्चों मेल और फीमेल को। ठीक है, अब देखो ये कितनी है, टोटल कितनी है? 2 बोन। ठीक है, अपने जो दो पाव जुड़े होते हैं हिप बोन से, एक इस साइड और एक इस साइड, दो बोन होती है हिप बोन। ठीक है, पेल्विक बोन। अब है हमारे पास शोल्डर की, शोल्डर के पास कितने होते बच्चों? 4 बोन। शोल्डर के पास कितने होते? 4 बोन। ठीक है, वहां पे क्या था? पेल्विक, यहाँ पे क्या है? कैल्विकल। यहाँ पे क्या है? कैल्विकल, ये वाली कैल्विकल। ठीक है, इसको कोलर बोन भी बोलते हैं, ये वाली बहुत ही वीक बोन होती है, यहाँ पे चोट, यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे उखाड़ दे तो उखड़ जाती है, तो ये क्या है? कोलर बोन, वीकेस्ट बोन भी इसको बोलते हैं। वीकेस्ट बोन अगर पूछे तो यही है हमारे पास। ठीक है, कोलर बोन भी, वीकेस्ट बोन भी। ब्यूटी बोन कौन है हमारे पास? ब्यूटी बोन भी यही कहते हैं ना, जो लड़कियों में ये निकले हुए होते हैं वो सुंदर होती है, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वीकेस्ट बोन, ब्यूटी बोन। अब दूसरी हमारे पास स्कैपुला। स्कैपुला ये पीछे वाला, ये वाला पोर्शन, ये हमारे कंधे और ये पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, पीछे वाली, ये वाली, ये वाली बोन कौन सी होती है? स्कैपुला। कितनी होती है? 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, शोल्डर ग्रीडल है ना, वो क्या होता है? शोल्डर ग्रीडल, ठीक है, वो ये वाला, जैसे ग्रीडल बन जाता है ये वाली और ये वाली हड्डियां, ये वाली और ये वाली हड्डियां, एक ग्रीडल टाइप बन जाता है। वो कितनी होती है? 4। टोटल 4 ही है ना, ये ग्रीडल में ये भी आएगी और हमारे पास जो ये पीछे वाली ये भी आएगी, तो टोटल कितनी है? 4। इन दोनों को जोड़ देना, स्कैपुला और कैल्विकल को, तो हमारे पास क्या बन जाता है? शोल्डर ग्रीडल। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे जो हड्डियां है वो खत्म हो गई। अब हम जॉइंट करेंगे, अच्छे से करेंगे, इसके कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम दो चार क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, कोई राजस्थान के हैं, कोई बीपीएस के हैं, कहीं कहीं के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो करते हैं इनको अच्छे से। अब देखो बच्चों, काज ऑफ मसल पेन, मसल पेन का कारण क्या है? मैंने अभी मसल चैप्टर, मांसपेशियां चैप्टर आपको नहीं करवाया, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है। ये 4 टाइम रिपीट हो चुका बच्चों, 4 टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या पता मसल करते टाइम ये ध्यान रहे या ना रहे, इसलिए लिखवाया हुआ है आपको, करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है रेस्पिरेशन में। काज मसल पेन, मसल पेन का कारण क्या है? अगर किसी को इनके आंसर आते हैं ना, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना कि कितने आपके आंसर ठीक हुए। ठीक है, देखो मसल पेन का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नन। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी जो मसल्स है उनके अंदर जमा हो जाता है, जिससे पेन होता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तब हमारी मसल टाइट हुई मिलती है हमें, क्योंकि उसके अंदर क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब सेकंड देखो, हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यू बोर्न ह्यूमन, बच्चे जो नया बच्चा है उसके अंदर जो हड्डियां है वो कितनी होती है? 270। ठीक है, 270, 270 आंसर हो, 270 लगाना, 280 है तो 280, 300 है तो 300। ठीक है, मतलब ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, या तो 270 मिलेगा, या 280 मिलेगा, या 300 मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक मिलेगा आपको, तो ये लगाना। ठीक है, 300 से ऊपर नहीं है, ठीक है, और 270 से नीचे नहीं हो सकती, तो इस जो ये रेशियो है 270, 280 और 300, इनमें से आपको एक आंसर मिलेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी बच्चों, देखो मैंने कल ही बताई थी, जो हमारे कान है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर ये पूछे स्मॉलेस्ट बोन, घुटने की है, नोज की है, ईयर की है, फिंगर की है, तो हम लगाएंगे ईयर्स की। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन। लेकिन अगर हमारे पास हड्डी पूछे तो कौन सी? स्टेपिस। ठीक है, हड्डी पूछे तो स्टेपिस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका काफी टाइम। बोन सेल आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट कंपोज, अच्छा जो बोन है हमारे पास उसके पास जो हार्ड मैट्रिक्स है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बोन क्यों होती है, उसके अंदर ऐसा क्या है? कल ही मैंने करवाया था, उसके अंदर कैल्शियम और जो फ्लोरीन है, नहीं। कैल्शियम और सोडियम है, नहीं।
कैल्शियम और फास्फोरस ये है बोन्स में हमारे, क्या है, कैल्शियम है और फास्फोरस है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री होती बच्चों ऐच्छिक, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार रोटेट कर सकें या फिर घुमा सकें या वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार चला सके, ठीक है। आर कंटेन कौन सी है, लीवर के, लीवर हमारा वॉलेंट्री है क्या, हम अपनी इच्छा से बोलेंगे क्या लीवर को कि ये काम करिए काम कर, नहीं। हार्ट, हार्ट तो अपने आप करता है, ठीक है, हम तो इतने लेजी पर्सन है कि हार्ट को बोलेंगे तब तक तो वो पंप होना बंद ही हो जाएगा, ठीक है, तो हार्ट भी नहीं। लंग्स बिल्कुल भी नहीं। लिम हाथ पांव, लिम्स हाथ और पांव, ये हम अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं, तो ये वॉलेंट्री, ठीक है। विच मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर बोन, बोन्स के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल है, जरूरी है बच्चों, वो है कैल्शियम। कौन सा बच्चों, कैल्शियम, बोन्स के लिए कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है। नीकैप, नीकैप को क्या बोलते हैं, अभी मैंने करवा था, देखो फेबुला नीकैप को बोलते हैं, नहीं। स्कैपुला जो ये हड्डी है, नहीं, ठीक है। ये क्या लिख रखा है मैंने, मेलस, मेलस नहीं। पटेला, पटेला घुटने की हड्डी को मैंने क्या बताया था, नीकैप को मैंने क्या बताया था, पटेला, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको इससे। अब हम अगला चैप्टर करेंगे जॉइंट, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जॉइंट्स में से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और जॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से करेंगे और सारे उसके क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो आप थैंक यू सो मच, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।